ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक बुड्ढे के साथ बाथरूम में फंस जाती है और यह वो उस बुड्ढे की बातों में आ जाती है और वो बुड्ढा उसके साथ गपागप करता है। अब वो दोनों इस बाथरूम से कैसे निकलते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मैड्रिड, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फेमस राइटर को देखते है जिसका नाम मीगल था। वो एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और तभी उसे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो एक राइटर बनना चाहती थी इसलिए वो मीगल का इंटरव्यू लेने आती है। मीगल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। इसके बाद वो अपना आर्टिकल लिखने लग जाता है। मीगल एक ऐसा आदमी था कि उसके मन में जो आए वो बोल देता था, वो कोई भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। मीगल को डॉक्टर ने ड्रिंक और सिगरेट पीने से मना किया था पर फिर भी वो पी रहा था। इसके बाद एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, पर मीगल को वो आर्टिकल जरा भी पसंद नहीं आता। वो एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए, राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, ये अपने दिल से पेपर पर उतरता है। इसके बाद मीगल एंजेला को अपने पास बुलाता है। मीगल के इरादे कुछ ठीक नहीं थे इसलिए एंजेला थोड़ी डरने लगती है। तब मीगल उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। एंजेला जब जेब चेक करती है तो उसमें एक चाबी निकलती है। मीगल उसे कहता है कि ये चाबी मेरे फ्रेंड के स्टूडियो की है जो 2 दिनों के लिए बाहर गया है। यहाँ मीगल एंजेला का हाथ चूमता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों उस स्टूडियो में जाएंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। एंजेला को मीगल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे पर उसे मीगल से बहुत कुछ सीखना था इसलिए वो उसके साथ स्टूडियो में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करते हैं। बातों बातों में मीगल एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है और इसके बाद वो उसे किस करता है, लेकिन अगले ही पल वो उसे दूर हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि किस करने में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं। मीगल एक साफ दिल का इंसान था और उसके दिल में जो भी आता था वो एंजेला के साथ कर रहा था। एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद मीगल एंजेला से कहता है कि अपने कपड़े उतारो क्योंकि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। दरअसल मीगल एंजेला से अट्रैक्ट हो गया था पर एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मीगल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डोर की आवाज आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस आती है। एंजेला को इस हालत में देखकर बुड्ढे के मुंह में पानी आ जाता है। वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। एंजेला मीगल को देखकर सोचती है कि ये बूढ़ा सठिया गया है। इसके बाद एंजेला बाथरूम में नहाने जाती है तो मीगल भी उसके पीछे जाता है और अपने कपड़े उतारकर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। एंजेला को बुड्ढे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे इसलिए वो मीगल से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंजेला जब बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, तो वो मीगल से कहती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मीगल कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, पर वो दरवाजा जाम हो गया था। इसके बाद मीगल दया की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। अब वो दोनों बाथरूम में फंस गए थे। एंजेला बाहर आवाज लगा के हेल्प मांगती है पर मीगल उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि किसी ने हमें साथ में देख लिया तो हमारी गजब बेइज्जती हो जाएगी। इसके थोड़ी देर बाद मीगल अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो भी खिड़की से आवाज लगाने लगता है, पर वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मीगल एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं। तब एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है और वो उनका नाम बताती है। जैसे ही मीगल उनका नाम सुनता है तब वो एंजेला से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। वो कहता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मैं उसे पसंद भी करता था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो और भी बताते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तब एंजेला कहती है कि वो दोनों अभी भी वैसे ही है और मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा नंबर लिया है। तब मीगल कहता है कि अगर तुम्हारी बड़ी बहन को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर साथ में हैं, तो पता नहीं वो क्या करेगी क्योंकि अब वो बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी है। अब धीरे धीरे मीगल एंजेला के पास आने लगता है पर एंजेला उसे दूर जाकर बैठ जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है।
तब मिगल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच जरूर कुछ हुआ है। फिर कुछ देर बाद एंजेला फिर से हेल्प मांगने लगती है। एंजेला को इस हालत में देखकर मिगल के दिल में अरमान जाग उठते हैं और वो एंजेला के करीब जाता है और उसे टच करने लगता है। एंजेला सोचती है कि ये बुड्ढा मुझे पेल कर ही छोड़ेगा। यहाँ एंजेला उसके अरमानों को तोड़ते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो। अब मिगल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो वो बाथरूम में फंसा है और दूसरी तरफ एंजेला उसे देने से मना कर रही थी। अब थक हार कर मिगल बैठ जाता है। यहाँ एंजेला को मिगल पर तरस आता है और वो उसके पास जाती है और वो दोनों यहाँ पर गपागप करते हैं। इसके बाद एंजेला कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब मिगल कहता है कि जब भी मूवी में लोग खाना खाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था कि वो सीन मुझे काफी रियल लगता है और राइटिंग भी कुछ इस तरह से की जाती है। मिगल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह कर रहा था, पर एंजेला को यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। एंजेला उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ, ना कि तुम्हारी डांट खाने। अब यहाँ पर मिगल कुछ नहीं बोलता। जब एंजेला का गुस्सा ठंडा होता है तब मिगल कहता है कि एक बार खिड़की से आवाज लगाओ, तो एंजेला फिर से आवाज लगाती है लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। तब मिगल एंजेला से कहता है कि क्या तुम एक कहानी देखना चाहोगी। तब एंजेला कहती है कि हाँ। तब मिगल कहता है कि कहानी का मजा सुनने में है। इसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है, पर वो कहानी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उस कहानी सुनने के बाद मिगल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो हुआ उसमें हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। फिर कुछ देर बाद मिगल को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। मिगल उस आदमी से अपने दोस्त को कॉल करने को कहता है। फिर कुछ देर बाद लुइस आता है और वो दरवाजा खोलता है। लुइस मिगल से कहता है कि मैं ये कहना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। जाते समय एंजेला मिगल से कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।